छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार कोई दुर्गा पंडाल बना है जहाँ पे आपको एक ही जगह पे इतनी सारी माताओं के दर्शन हो रहे हैं। स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का हमारे चैनल पीपी ब्लॉग में। और अभी जैसे कि नवरात्रि चल रही है और इस वक्त हम लोग गुड़ियारी में, और आपको यकीन नहीं होगा 3 दिन से हम लोग ये पंडाल ढूंढ रहे थे और फाइनली हमको ये वाला पंडाल मिल गया है जहाँ पे छत्तीसगढ़ की 9 देवियाँ विराजमान है और ये पड़ाव में ये पंडाल है। तो अब हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर कौन कौन सी देवी है। और बहुत ही हमने इसकी तारीफ सुनी थी और हमने बहुत ढूंढा, इसको ढूंढने में बहुत मशक्कत की है और फाइनली हमको ये पंडाल अब जाके मिला है आज। तो अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगी, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अंदर जाके देखने के लिए। तो चलो चलते हैं। पहले हम पहुंच गए हैं रतनपुर जहाँ पे महामाया माता का बहुत ही सुंदर बनाया गया है, महामाया माता को बनाया गया है। और अब उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और ये अगली मूर्ति रायपुर की बंजारी माता की है। अगर आप यहाँ पे बंजारी माता के मंदिर आप गए होंगे तो आप जरूर देखा होगा आपने, बिल्कुल सेम हूबहू यहाँ पे वही मूर्ति को बनाया गया है। और अब हम पहुंच गए खल्लारी माता के दर्शन करने के लिए। देखिए कितने प्यार से मैया रानी मुस्कुरा रही है और अपना आशीर्वाद हमको दे रही है। और अब हम पहुंच गए हैं रायगढ़ में जहां पे आपको दिखेंगी चंद्रहास माता। और अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं डोंगरगढ़ की बम्बेश्वरी माता का दर्शन करने के लिए। और बम्बेश्वरी माता के पास पहुंच गए हैं दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए। और अब आगे है धमतरी की बिलई माता। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं बाग बहरा की चंडी माता का दर्शन करने के लिए। ये वही चंडी माता का मंदिर है जहाँ पे रोज भालू आते हैं, तो वही वाली चंडी माता का यहाँ पे स्वरूप दर्शाया गया है। और ये आखिर में हम पहुंच गए हैं बालोद की गंगा मैया झलमला माता का दर्शन करने के लिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार कोई दुर्गा पंडाल बना है जहाँ पे आपको एक ही जगह पे इतनी सारी माताओं के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मेला लगा है, बहुत सारे चाट गुपचुप खेल सबके ठेले लगे हुए हैं, आइसक्रीम है, इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारे झूले वगैरह हैं। तो अभी भी नवरात्रि में 3 दिन बचे हैं, आप यहाँ पे जरूर आइए और 9 देवियों के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए, क्योंकि हर किसी के लिए राज छत्तीसगढ़ के हर जगह पे जाके देवी दर्शन कर पाना उतना संभव नहीं है, लेकिन आपको रायपुर में एक ही जगह पे सारी देवियों के दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ जरूर आइए।